नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भाइयों और बहनों, आज हम आधे घंटे के लिए भंते विमला रमसी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित मंगल मैत्री ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपने ध्यान के स्थान पर बैठ जाइए, या तो कुशन पर बैठिए या कुर्सी पर, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। ऐसा नहीं है कि नीचे बैठने में ही कोई जादू है। अगर आसानी से नीचे बैठ सकते हैं तो आसानी से नीचे बैठे, अन्यथा कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद करें, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, और अपने मन को खोल दें, आरामदायक स्थिति में लाएं। मन से जिस कक्ष में ध्यान के लिए बैठे हैं, उस ध्यान कक्ष को जानें। अपने शरीर को जाने, सांस के प्रवाह को जाने। फिर अपने जीवन की कोई सुखद घटना याद करें, जिसमें हमें बहुत सात्विक शांति सुख प्राप्त हो गया था। उदाहरणार्थ, अगर आपने कोई विपश्यना शिविर किया है तो उस शिविर के मंगल मैत्री के समय आपको कैसे लगा था, या फिर किसी छोटे बच्चे को गोद में लेने के बाद और उसकी आंखों में देखने के बाद आपको कैसे लगा था, या फिर किसी पालतू कुत्ता या बिल्ली के बच्चे को गोद में लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ था। उस प्रकार के शांति सुख को याद करें, और बिल्कुल वैसी ही भावना आपने हृदय में जगाए। अपने हृदय के केंद्र में वह तेजोमय और फैलने वाली भावना रखें, और उस भावना को अपनी ओर भेजें
अपने शरीर में फैलाए, वह शांति सुख मेरे मन में बना रहे, मेरे शरीर में फैले, मैं सदा सुखी रहूं, निरोगी रहूं, संतुष्ट रहूं। बहुत महत्वपूर्ण है, संतुष्ट रहूं, समाधानी रहूं, सुखी रहूं, शांत रहूं, निरोगी रहूं। हृदय के केंद्र से अपने आप को मंगल मैत्री भेजते रहें। ऐसा करते समय हो सकता है आपका मन भटक जाए, मन की आदत है भटक जाना। जब आपको पता चले कि मन भटक गया है तो नाराज न हो, निराश न हो, जाने कि मन भटक गया है। जिन ख्यालों में मन भटक गया था उन ख्यालों को वहीं छोड़ दे और फिर अपने शरीर में और मन में देखे कि उन ख्यालों की वजह से कहीं कुछ खींचाव तनाव तो नहीं है। खासकर अपने दिमाग में या सिर में खींचाव या तनाव पैदा हुआ होगा। उस खिंचाव और तनाव को दूर करे, उसको ढीला करे, उसको आराम दे। जैसे ही तनाव और खिंचाव को आप ढीला करेंगे, दिमाग में एक फैलाव सा महसूस होगा। उसके बाद होठों पर मुस्कुराहट लाए और फिर अपना मन हृदय की उस मंगल मैत्री की भावना की ओर ले जाएं। फिर मन भटक जाता है तो फिर उस भटकने को जानो, ख्यालों को वहीं पर छोड़ दो। ख्यालों में कोई वाक्य चल रहा है और वो पूरा भी नहीं हुआ है तो भी वहीं पे छोड़ दो। दिमाग में देखो कहीं तनाव खिंचाव है क्या, और उस तनाव खिंचाव को ढीला कर दो। होठों पर मुस्कुराहट ले आओ और फिर से मन को मंगल मैत्री की ओर मोड़ो। फिर मन भटकता है, फिर ये पहली पांच पायदाने फिर से अमल में लाओ। पहली पायदान है जानना कि मन भटक गया है। दूसरी पायदान है जिन ख्यालों में मन भटका हुआ है उन ख्यालों को वहीं छोड़ देना। तीसरी पायदान है दिमाग में पैदा हुए तनाव और खिंचाव को ढीला करना। चौथी पायदान है
मुस्कुराना, पांचवी पायदान है मंगल मैत्री की ओर वापिस आना, और छठी पायदान है फिर मन भटक गया तो पहले पांच दायना को फिर से रिपीट करना। इन छह पायदानों को अंग्रेजी में बनते विमला रमसी सिक्स आर्स कहते हैं। रिकग्नाइज, रिलीज, रिलैक्स, रिस्माइल, रिटर्न और रिपीट। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग में सम्यक व्यायाम नाम का जो अंग है वो इन्हीं छह पायदानों से पूर्ण होता है। अपने आप को मंगल मैत्री भेजते रहें, होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रखें। होठों की मुस्कुराहट इस साधना की रीढ़ की हड्डी है। होठों पे मुस्कुराहट रखोगे तो मंगल मैत्री अपने आप जागेगी। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति पर उनके ओठों पर एक मंद मंद सी मुस्कान होती है, उस मुस्कान को याद कीजिए और उस मुस्कान को इस साधना के आधे घंटे के दौरान पूरी तरह बनाए रखें, या अगर ज़्यादा देर बैठ रहे हो तो जितनी देर साधना में बैठे हो उतनी देर होठों पर मुस्कान बनाए रखें। अपने आप को मंगल मैत्री देते रहें, होठों से हंसिए, हृदय से हंसिए, अपने दिमाग में मुस्कुराहट हो, आंखों में मुस्कुराहट हो, गालों पे, होठों पे मुस्कुराहट और हृदय में भी मुस्कुराहट। आंखें बंद है फिर भी आंखों में थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। अब लगभग 10 मिनट की अपने आप को मंगल मैत्री देने की साधना के बाद ऐसा एक आध्यात्मिक साथी चुनो जिसे याद करने के बाद तुम्हारे मन में बहुत प्रसन्नता आती है, तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अगर आप पुरुष हो तो आध्यात्मिक साथी पुरुष ही चुनना है, अगर आप नारी हो तो आध्यात्मिक साथी नारी ही चुननी होगी, लेकिन अपने घर वालों को न चुने। घर वालों को मंगल मैत्री देना बाद में सिखाया जाएगा। अभी ऐसा कोई साथी चुनो जो आपको जानता हो और आप उसे जानते हो, और वो जीवित हो, मृत न हो और बीमार न हो, जिसे याद करते ही तुम्हारे मन में खुशी की एक लहर दौड़ आए और जिसका तुम तहे दिल से भला चाहते हो। अब उस आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देना आरंभ करो।
जिस प्रकार की शांति मुझे महसूस हो रही है उसी प्रकार की शांति उसे भी महसूस हो। वो सुखी रहें, वो संतुष्ट रहें, बहुत महत्वपूर्ण है, संतुष्ट रहे, समाधानी रहे, निरोगी रहे, अभी इसी समय इस क्षण वो सुखी रहें। आपने उस आध्यात्मिक साथी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करो और उस पर मंगल मैत्री की वर्षा करो। अपनी मंगल मैत्री से उसे भिगो दो। उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, वो सुखी रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस क्षण वो संतुष्ट रहे, शांत रहे, समाधानी रहे। जिस प्रकार मुझे सुख शांति अनुभव हो रही है उसी प्रकार उसे भी सुख शांति अनुभव हो। वो विकारों से मुक्त हो, शांत हो, सुखी हो, संतुष्ट हो, समाधानी हो, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, किसी किसी को उसकी छवि याद आती है तो आए, किसी किसी को छवि अच्छी तरह से याद ना आती हो तो भी चलेगा। जैसे भी हो, अपने मन मंदिर में उसे स्थापित करके उसे मंगल मैत्री भेजते रहो। तेरा मंगल हो, तेरा भला हो, तू सुखी रहे, तू शांत रहे, समाधानी रहे, संतुष्ट रहे। अपने आध्यात्मिक
मित्र को या सहेली को मंगल मैत्री देते समय हो सकता है मन फिर भटक जाए। अगर मन भटक जाता है और हमें पता लग जाता है कि मन भटक गया है, तो पहले जो 6 पायदानों का सम्यक व्यायाम बताया था उसी को फिर से करना है। जान लो कि मन भटक गया है, जिन ख्यालों में मन भटक गया था उन ख्यालों को वही छोड़ दो। हो सकता है ख्याल पूरा न हो, फिर भी वहीं छोड़ दो। अपने शरीर में और मन में, खासकर दिमाग में, सिर में खिंचाव या तनाव पैदा हो गया होगा तो उसे ढीला करो। सिर के खिंचाव तनाव को ढीला करना इस साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। खिंचाव तनाव को ढीला करने के बाद होठों पर मुस्कुराहट लाओ। और फिर से अपने साथी को मंगल मैत्री देना प्रारंभ करो। फिर अगर मन भटक जाता है कुछ देर बाद और, तो इन 6 पायदानों का अभ्यास फिर से करो। भंते विमला रमसी जी ने इन 6 पायदानों को अंग्रेजी में 6 R's कहा है। रिकग्नाइज, जानो कि मन भटक गया है। रिलीज, जिन ख्यालों में विचारों में मन भटक गया था उन ख्यालों को विचारों को वहीं पर छोड़ दो। रिलैक्स, अपने सिर में दिमाग में जो तनाव खिंचाव पैदा हो गया है उसे ढीला कर दो, शांत कर दो। रिस्माइल, अपने होठों पर मुस्कुराहट वापस लाओ। रिटर्न, मंगल मैत्री की साधना की तरफ वापस आओ। अपने मंगल साथी को मंगल मैत्री भेजना फिर से आरंभ करो। रिपीट, अगर मन फिर से भटक जाता है तो इन 6 पायदानों का अभ्यास फिर से करो। यह 6 पायदानों का सम्यक व्यायाम इस साधना की खासियत है। जब जब मन भटकेगा तब तब इसे करना है। याद रहे, जब मन भटकता है तभी इसे करना है, बाकी समय अपने होठों पर मुस्कुराहट रखते हुए अपने हृदय से अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री भेजते रहें। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो।
तू सुखी रहे। तू शांत रहे। तू संतुष्ट रहे। तू समाधानी रहे। तू स्वस्थ रहे। तेरे मन के विकार दूर हों। जिस प्रकार मैं अपने मन में शांति सुख महसूस कर रहा हूं, उसी तरह तू अपने मन में शांति सुख महसूस करें तेरा भला हो। तेरा मंगल हो। तेरा कल्याण हो। तू हमेशा हमेशा सुखी रहे। तू अभी इसी क्षण में भी सुखी रहे। तू संतुष्ट रहे। तू समाधानी रहे। तू स्वस्थ रहे। तेरा मंगल हो। तेरा कल्याण हो। हम दोनों सुखी रहे। हम दोनों शांत रहे। हम दोनों संतुष्ट रहे। हम दोनों का ही भला हो। हम दोनों स्वस्थ रहे। हमारा मंगल हो। हमारा कल्याण हो। हमारे मन के विकार दूर हों। हम शांत रहे। इस संसार के सारे जीव सुखी हों। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।